बहादुरगढ़ में एक युवक की जन्मदिन के जश्न के दौरान गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। ये घटना बहादुरगढ़ के मांडोठी गांव की है। जानकारी के मुताबिक बहादुरगढ़ के मातन गांव का रहने वाला मोहित अपने दोस्तों के साथ मांडोठी गौशाला के प्रधान बल्लू के बेटे छोटा दलाल की जन्मदिन पार्टी में गया हुआ था। इस दौरान पार्टी चल रही थी, शराब भी पी जा रही थी। आरोप है कि इस दौरान मांडोठी गांव के दीपक ने मोहित को सीधी गोली मार दी। रात को करीब 1:15 बजे हमारे गांव के प्रधान द्वारा सूचना दी गई कि आपके भतीजे मोहित के साथ ऐसे ऐसे कोई दुर्घटना हो गई। वहाँ से हम सिर्फ मेरे हॉस्पिटल आए, उसको पहले ही यहाँ लेके आ चुके थे। आने के बाद पता चला डॉक्टर से भी अकेले तो गुजर चुका है, इसमें कुछ नहीं है। वहाँ ये अपने छोटा दलाल हेमा लोटी उसकी पार्टी का जश्न मना रहे थे, उसके और अन्य साथी छोटे के ये सब वहाँ इकट्ठे हो रहे थे। और वहाँ पर सबसे पता करने पर पता चला कि अभी कोई दिक्कत है यही मान लो गाँव के रणबीर का, इसके द्वारा यह 315 की मम्मी से गोली चलाई। आज रात को करीब 3 बजे के पास हमारे पास सूचना गई थी GS बहादुरगढ़ से कि मोहित सनोप सिरियोम आरोमाचन फायर इंजरी से कारण मौत होने के कारण जो दाखिल हुआ है। अभी हमने परिवार वालों की स्टेटमेंट ली है, रात को तो इन्होंने स्टेटमेंट दी नहीं थी। अभी इन्होंने दरखास्त में एक लड़के पर इल्ज़ाम लगाए हैं। कल बीती हुई रात को जो है यहाँ मांडोठी गांव में बल्लू प्रधान के लड़के की बर्थडे पार्टी थी, वहाँ जो है ये 5-6 बच्चे थे जो अल्कोहल वगैरह का सेवन कर रहे थे। उस टाइम पर जो है इन्होंने दीपक सनोप रणधीर वासी मांडोठी ने जो है इसको ये लड़के को गोली चला मारी है। और इसके ताऊ की दरखास्त के अनुसार जो है कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इसका ताऊ है हरिओम सनोप सतवीर आरोमाचन, जिसने इस संबंध में दरखास्त दी है। अभी इसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, जो है मास का GS बहादुरगढ़ में आगे जिस प्रकार की कार्रवाई होगी वह अमल में लाई जाएगी। बता दें मृतक मोहित दिल्ली DTC में कॉन्ट्रैक्ट पर कंडक्टर के पद पर काम करता था। वहीं पार्टी में दोनों के बीच किसी तरह के विवाद की बात भी अब तक सामने नहीं आई है। बहरहाल पुलिस ने मृतक मोहित के ताऊ के बयान पर आरोपी दीपक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है, जिसे जल्द गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। बहादुरगढ़ से प्रवीण कुमार धनखड़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।